इंसान कभी खुद भी कॉल कर लेता है। सॉरी, कई दफा सोचता हूँ, पता नहीं फिर भूल जाता हूँ। मतलब भूलना आपके लिए इतना आसान है? मेरा वो मतलब नहीं था। फिर क्या मतलब था आपका? मेरा मतलब था कि कुछ मामलों में मैं वाकई बहुत केयरलेस हूँ, शायद इसलिए अम्मी और दादो मुझे इतना डांटती हैं। किससे बात कर रही हो? ओके शहजी, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे नहीं, बात करती रहती ना, मैंने कौन सा जाके आंटी को बता देना था। सिला, अगर तुम बता भी दो तो मेरे लिए कोई इशू नहीं है, मैं शहजी से बात कर रही थी। ओ, वही शहजी जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है? क्या बात है, तुम्हें तो बहुत ही आजादी है। कहना क्या चाह रही हो तुम? कुछ नहीं, बस तुम अमीर लोग की भी सही चोची। जब मुझे जावी से बात करनी होती थी तो पहले मैं तसल्ली करती थी, किसी को पता ना चले, कोई सुन ना ले। सिला, मैं शहजी से ऐसी कोई बात नहीं कर रही थी जिसके लिए मुझे इस तरह के माहौल की जरूरत है। पर मोहब्बत का मजा तो ऐसी माहौल में आता है ना, कि बंदा दिल की बात भी कर ले और कोई तीसरा सुनने वाला भी ना। मुझे इस तरह की फजूल बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कैसी बातें? पर मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि अगर मोहब्बत करती हो तो फिर मोहब्बत का मजा भी लो, और मोहब्बत का मजा है छुप छुप कर बातें करना और मुलाकातों में, समझ रही हो ना? सिला, इस तरह की मोहब्बत मुझे बिल्कुल भी नहीं आती। मगर तुम्हारे भाई को तो आती। सही कह रही हो तुम, उसी मोहब्बत का तो खमियाजा हम सब भुगत रहे हैं। क्या मतलब? मतलब वही है सिला, कि कुछ बातों को अल्फाजों की जरूरत नहीं होती, मोहब्बत और गुनाह में बहुत फर्क होता है, जो शायद तुम तो कभी नहीं समझ सकती। तुम तो मुझे मोहब्बत और गुनाह का फर्क ना ही समझाओ तो बेहतर होगा, पहले वो फर्क तुम समझ लो। और वैसे भी तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारी मोहब्बत नहीं कबूल की, और तुम मुझे चली समझाना।